जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंतान नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहि स्तंभसाहून मोक्ष मार्गस्य नेतारम् वेतारम् कर्म भूव्रतम् ज्ञातारम् विश्वतत्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धे पांच भाव की कक्षा तत्वार्थ सूत्र अध्याय दो के आधार से चल रही है। अज्ञान नाम का औदिक भाव की चर्चा हुई, उसमें एक प्रश्न आया था, तीन चार दिन हो गए हैं लेकिन उसका जवाब नहीं दिया, तो अभी जवाब दे देते हैं। पहले हमने कहा था अज्ञान नाम का औदिक भाव है, उससे बंद नहीं होता, और मैंने इसका हेतु भी दिया था कि निगोदिया जीव को यदि बंद हो अज्ञान से, तो अज्ञान तो बहुत है उसको, अक्षर का अनंत भाग ही बचा उसके पास, यदि उससे बंद होगा तो फिर निकलेगा कैसे, फिर तो कभी निकलने ही नहीं उसको। अज्ञान कभी भी किसी भी जीव को बंद का हेतु नहीं है। तो उस पर एक प्रश्न था, तो फिर हमें मालूम नहीं है कि आलू में जीव है तो उससे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तो बहुत ही अच्छा, आप तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्यों पढ़ेंगे, प्रवचन सुनेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, क्या मालूम पड़ जाएगा कि बटाटा मां जीव है अनछने पानी में जीव है, और मालूम पड़ जाएगा तो पाप लगेगा, और आप कहते हो अज्ञान से पाप नहीं लगता। तो हम तो अब प्रवचन सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रवचन सुनने वालों को बड़ी तकलीफ है, रात में नहीं खा सकते, लेज की चिप्स नहीं खा सकते जिलेटिन नहीं खा सकते, पान मार कत्था नहीं खा सकते, बड़ी आफत है, मालूम नहीं पड़ जाए ना तो कितनी तकलीफ है, मतलब नरक का मालूम नहीं तो कितने मजे कर रहे हैं लोग, बोलो। अब अपने को नरक का मालूम पड़ गया तो अपने को तो जरा चिंटी मरती है, तो दिन भर तकलीफ होती है, भगवान ये भगवान, अब चिंटी ना बनना पड़े, ये सब प्रश्न है। तो उसका उत्तर तो ये है कि अज्ञान नाम का औदिक भाव है ही नहीं, जिसे आप समझ रहे हो ना, जिसे हमें आलू का पता नहीं है, ये अज्ञान नाम का औदिक भाव नहीं है, ये छायोपशमिक भाव की विराधना है। समझ में आया कुछ, आप जानना नहीं चाहते, आपके छायोपशम के द्वारा आप जान सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन आपने छायोपशमिक भाव की विराधना की, बंद इससे होता है। और छायोपशमिक की विराधना होती है कसाय में, इसलिए बंद होता है कसाय से, कसाय छायोपशमिक भाव की विराधना करता है, तो बंद का मूल हेतु है कसाय। अनंत अनंतानुबंधी कसाय हो, ये हिता अनंतानुबंधी कसाय का एक लक्षण है, जो हिता हित का निर्णय नहीं करता, हिता हित की उपेक्षा करता है, ये हे है कि उपाधेय है, ये हित रूप है कि अहित रूप है, इसका निर्णय नहीं करना चाहती जो कसाय, वो अनंतानुबंधी है। न्याय अन्याय कहो, हे उपाधेय कहो, त्याग और ग्रहण करने योग्य कहो, हे उपाधेय माने त्याग और ग्रहण करने योग्य, जो कसाय इसका निर्णय नहीं करना चाहती, वो उपेक्षा करती है, तस्कार करती है, उसका नाम अनंतानुबंधी है। इसीलिए जो अजाने अजान तरीके से खाते हैं, अजान तरीके समझिए, जानना नहीं चाहते, अपने को तो पता नहीं है, जैसे मान चलो दूध में मक्खी गिर गई तो आंख बंद करके पी जाओ भैया, अपने को पता नहीं लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों कीड़ियां हो जाती हैं दूध वगैरह में, कभी गिर जाए घी में गिर जाए कोई चीज में, तो अपन मालूम नहीं करना चाहिए, खा लो चुपचाप बस। मार्केट का खाना माने अजान खाना,
अजान फल तक का निषेध है जिनवाणी में। जिस फल के बारे में आप नहीं जानते उसे आप मत खाइए। ये जो पक्षी होते हैं ना पक्षी, ये सबके अलग अलग प्रकार के पक्षियों का अलग अलग भोजन है। जानवर होते हैं ढोर, जंगल में इतने झाड़ लगे हुए हैं लेकिन उनके अमुक अमुक चीजें ही खाते हैं बस, जिसके बारे में उनकी कौम नहीं जानती उसे खाते ही नहीं हो। देखना भूख लगने पर भी नहीं खाते। जैसे बकरी होती है ना बकरी, वो बबूल खाती है। बकरी बबूल को ऐसे खा जाती है जैसे अपने क्या कहना चाहिए, नमकीन सेव, नमकीन खारे जो भी फरसान क्या कहते हैं नमकीन। और वे लोग गाय नहीं खाती उसको और दूसरे नहीं खाते उसको। मेरा मतलब है पशु पक्षी भी अपने को अजान चीज नहीं खाते। हो सकता है वो जहरीले पत्ते हो सकता है वो जहर का वृक्ष हो, तो वो नहीं खाएंगे। ऐसे अपनी यहां कह रहे हैं तो अजान नहीं रखना भैया। ये कभी नहीं समझना कि जानने वालों को ज्यादा पाप लगेगा और अनजाने में पाप नहीं लगेगा, ये बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना। और इसका संबंध काय से जोड़ दिया अपन ने, अज्ञान से नहीं, कसाय से। जो हे उपाधेय का निर्णय नहीं करना चाहती उसका नाम है अनंतानुबंधी कसाय। मैंने अज्ञानता पूर्वक खान पान रहन सहन जो है, देखो एक इंद्रिय को बंद क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जानने की शक्ति नहीं बची उसके पास। जैसे मैं हूं, मेरे पास आंख है, मैं देखकर चल सकता हूं, और एक अंधा व्यक्ति है उसे देखने की शक्ति नहीं है तो देख नहीं सकता। तो अब वो चले और उसके नीचे जीव आ जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अब भैया उनको दिखता नहीं, अब हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैं देखभाल करके चल सकता हूं और फिर भी एक्सीडेंट करूं तो, जीव मारूं तो फिर आप कहेंगे पंडित जी आप शक्ति थी, आपके पास शक्ति थी। ध्यान से सुनना, शक्ति की विराधना से बंद होता है। एकेंद्रीय के पास शक्ति ही नहीं है, कसाय तो उसको भी अनंतानुबंधी है लेकिन उसको हे उपाधेय का फैसला करने की शक्ति नहीं है। इसलिए अपने हे उपाधेय की शक्ति है, इससे केवल ज्ञान होता है। हे उपाधेय की करने की शक्ति है, इससे भेद विज्ञान होता है। हे उपाधेय करने की शक्ति है, इससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। इसलिए कभी भी हे उपाधेय की शक्ति का तिरस्कार नहीं करना, जानने का निषेध नहीं करना। बराबर समझ में आया? अभी कितने ही मत ऐसे हैं अन्य मत में जो जानने का निषेध करके मोक्ष मानते हैं। उनमें एक बौद्ध प्रमुख है, बौद्ध प्रमुख है, बिल्कुल जैन धर्म का एंटी है। एंटी काय मामले में हम ध्रुव की महिमा करते हैं, किसके बल पर करते हैं, ज्ञान स्वभाव के बल पर। हम ज्ञान को गेयों से आक्रांत नहीं करते, ज्ञान में गेयकृत दोष नहीं मानते, और वो गेयकृत दोष मिटाता है। और गेयकृत दोष मिटाने के नाम पर करता क्या है कि ज्ञान का ही नाश कर देता है, क्योंकि वो कहता है ना हम जानेंगे ना राग होगा। जैसे मार्केट में से निकलते हैं और कोई वस्तु देखते हैं, जानते हैं तभी तो राग होता है, ये बौद्ध का मानना है, अपना नहीं। अब अपन कहते हैं जानने से राग नहीं होता, तो मैं उसमें सुख बुद्धि पड़ी होगी तो राग होगा, सुख बुद्धि पड़ी होगी माने मोह, तुम्हें दर्शन मोह होगा, चारित्र मोह होगा तो तुम्हें राग उत्पन्न होगा, नहीं तो राग उत्पन्न नहीं हो सकता। जानने से राग उत्पन्न हो तो केवली भगवान को होना चाहिए, जानने से यदि द्वेष हो तो अनंत भगवान सिद्ध भगवान अपने अनंत दुश्मनों को जान रहे हैं। अनंत दुश्मन समझ में आए, भूतकाल के अनंत दुश्मन, वर्तमान में जो सिद्ध भगवान को तिरस्कार कर रहे होंगे उनको भी, और भविष्य काल में कौन कौन अरण सिद्ध भगवान को नहीं मानेंगे, धर्म को नहीं मानेंगे, कौन कौन तिरस्कार करेंगे वो भी दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई देने पर भी उन्हें द्वेष नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान में से राग द्वेष उत्पन्न होता नहीं है। इसलिए राग द्वेष जीतने के लिए ज्ञान का तिरस्कार नहीं करना। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, लगती तो सादी भाषा, कह दू थोड़ा खुलासा कर दू, समझो भैया सभी लोग, हम लोग भी बौद्ध हो जाते हैं और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में अपने को कहा है। अब जो प्रच्छन्न बौद्ध हैं, प्रच्छन्न बौद्ध क्या होती है, माने हैं तो जैनी, माने हैं तो जैन के बेस में, लेकिन प्रच्छन्न माने ढके हुए, माने ऊपर से जैन है, मंदिर में आते हैं, पूजन पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं,
ज्ञान स्वभाव की महिमा करते हैं लेकिन अंदर से अभिप्राय से बौद्ध है। अरे थोड़ी सूक्ष्म बात है, पकड़ लेना थोड़ी सी सूक्ष्म है ना। वैसे कोई क्या डरा नहीं रहा हूं, मेरी तो भाषा ही सरल है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो देखो चरणान योग है ना, चरणान योग, चरणान योग में ये कहते हैं कि जहां से राग उत्पन्न हो उसे मत जाना। माने एक लाइन में कहें चरणान योग में, तो निमित्तों से दूर रहो, कुसंग से दूर रहो, कितना सरल है। लेकिन 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 यदि इसी को सही मान लिया जाए, इसी को, तो बौद्ध हो जाएंगे हम। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? इतने भी बौद्ध हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि निमित्त को जानने से राग द्वेष उत्पन्न थोड़ी होता है। ये फर्स्ट प्राइमरी क्या कहना चाहिए, फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड। चरणान योग के कथन, सील की नौवाड़ आदि, ये फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड समझते, कोई को जब तकलीफ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो पहले अपन ने फर्स्ट एड कर दी ताकि ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो जाए, और उसको ला करके फिर इलाज कराते हैं। तो फर्स्ट एड चरणान योग में निमित्त का ज्ञान कराया है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। काम तो कैसे चलने वाला, द्रव्यान योग से समझो कि ज्ञान स्वभाव कैसा है, ज्ञेय स्वभाव कैसा है। ज्ञान में ज्ञेय कर्ता सत्ता नहीं होती, और सबसे बड़ी बात है द्रव्यान योग के माध्यम से नक्की करो कि पर में सुख नहीं है। पूरा जितना प्रवचन चलता है यही निर्णय कराना है, पर में सुख नहीं है। पर जैसे ही पर में सुख नहीं लगेगा तो राग क्यों होगा, राग क्यों होगा बोला। इसलिए राग द्वेष का कारण पर में सुख बुद्धि है, अस्थिरता है। सुख बुद्धि छूट जाने के बाद भी अस्थिरता है, तो उसको जीतने का उपाय अलग, लेकिन ज्ञान का घात नहीं करना, ज्ञान की निर्मलता का घात नहीं करना। कैसे हो जाता ज्ञान की निर्मलता का घात, एक सरल दृष्टान दो। जैसे मैं भोजन करता हूं ना, तो देख देख के करता हूं थाली में, तो मेरे को अंतराय आ जाता है। तो मेरे को अंतराय आता है ना, तो लोग बाग ऐसा कहते, पता नहीं पंडित जी की किस्मत ही खराब है, हमको तो साल भर में कभी अंतराय नहीं आता। समझ आया कभी नहीं आया? तो ऐसा मेरे से सही घटना है जी, कहां की है ये भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप वहां जाओगे तो मेरी बात याद आ जाएगी आपको, इसलिए वहां का नाम भी नहीं बता रहा हूं मैं। तो पंडित जी को जाने कितने अंतराय आते हैं, लगता है कर्म जल्दी कटना है, मोक्ष आना जल्दी। तो मैंने कहा भैया अंतराय तो उनको आते हैं जो देखते हैं। तुम देखते क्या हो, डाइनिंग टेबल पे बैठकर इधर देखते हो या उधर देखते हो, बातें करते जाते हो, खाते जाते हो, तो तुम देखते क्या हो। मैंने अपने को क्या लगता है, बिना देखे अपन सब पचा सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके नहीं खा सकते मक्खी को क्या। मैं कहता हूं आप लोगों के जीवन में टर्निंग प्वाइंट आए होंगे, बहुत सारी चीजें हमारे कहने से नहीं छोड़ी होगी, धर्म के कहने से नहीं छोड़ी होगी, लेकिन कभी कोई ना कोई घटना आपने देखी होगी, बनता हुआ भोजन, बनती हुई चीजें आप देखो, तो देखते ही आपका मन, वैसे हम कितनी बार कहते हैं स्लॉटर हाउस, आपको नहीं समझ आता, लेकिन वो पिक्चर देखते से ही भैया ये बस अब बस की नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप ज्ञान का घात नहीं करो। सही कहूं, मैं कभी जिंदगी में नहीं कहूं कि आप ये अनछना पानी छोड़ोगे, ये छोड़ोगे, ये आलू छोड़ोगे, ये छोड़ो, कभी नहीं कहूं। लेकिन एक प्रतिज्ञा आप कर लो कि हम ज्ञान का घात नहीं करेंगे, बस जो खाओगे उसके पीछे झांक कर देखोगे, बस इतनी सी प्रतिज्ञा कर लो बस। इतना सा काम करना है, ज्यादा बड़ी प्रतिज्ञा, सारा चढ़ना नहीं होगा, कोई काम नहीं, कोई बात नहीं। दिक्कत क्या है, हमें मालूम भी होता है कई बार, लेकिन हम जानना नहीं चाहे। अरे भैया देखो ठीक है, ऐसे तो फिर कुछ खा ही नहीं पाएंगे, ये बड़ी समस्या, फिर ऐसे तो कुछ पहन ही नहीं पाएंगे। ये तो मैं कहता हूं, अब तुम ही समझ लो क्या कहूंगा। घर में भी ऐसा होता है, जब अपना किसी को बस नहीं चलता ना, भैया देखो हमारे सामने मत किया करो, तुम पीठ पीछे कुछ भी कहो, जी क्या तरीका है, जी ज्ञान का घात है। फिर से कहूं क्या काम है, तुम मेरे सामने मुझे गाली मत दो, पीठ पीछे चाहे जितनी गाली दो। नहीं नहीं, ज्ञानी ये कहता है मेरे सामने गाली दो, मैं जानता हूं तुम मुझे गाली नहीं दे सकते, इसलिए तुम मेरे सामने मुझे गाली दो। क्या कह रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं उस ऐसा नहीं होता, वो पहनते नहीं, क्या कहलाता है वो, बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ।
तो सम्यक दृष्टि ने, ज्ञानी पुरुष ने, जो ज्ञान का घात नहीं करते, उन्होंने तो बुलेट प्रूफ पहन रखी है, गाली प्रूफ, अयस प्रूफ, निंदा प्रूफ पहनी रखी ना उसने, और ऐसी पहनी है पूरी ऊपर से, तो जो पहने हो ना पहने हो पूरा बुलेट प्रूफ पहना हो, बुलेट प्रूफ पहना हो, तो वो मार्केट में कहीं जाए और झगड़ा आ जाए कहीं सामने, हाँ मार मार गोली मार, वो ऐसा थोड़ी कहता है एक गोली चलाओगे तो भाग जाऊंगा, ये तो तू और गोली चला मेरे सामने ही चला, क्यों मैं पूरा का पूरा प्रूफ हूं। हाँ हाँ, ऐसे ही जगत में कोई मेरी निंदा कर नहीं सकता, यदि मेरे व्यवहार में भी कहें, व्यवहार में निश्चय से तो कोई मेरी निंदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान आत्मा हूं, और आज तक किसी ने आत्मा को गाली नहीं दी, शरीर को तो दी होगी, काला है गोरा है बेवकूफ है गरीब है अमीर है, आप अजय काम करो मेरा निंदा समारोह करके दिखाओ, करो करो, मेरा निंदा समारोह नहीं कर सकते, चलो प्रशंसा का समारोह करो, आप जिसकी भी करोगे ना वो छायब समीप भाव होगा, जैसे पंडित जी बहुत इंटेलिजेंट है तो छायब समीप भाव, वो मैं हूं ही नहीं, अब निंदा करो बहुत खराब है कुछ नहीं आता, ज्ञायक भाव लेती नहीं है, ध्रुव बताती नहीं है, पारिणामिक बताती नहीं है, बस वो स्थूल स्थूल बातें करते हैं, चरणानी चरणानी, बिल्कुल सच्ची बात बराबर छा, क्यों बराबर छाया समय भाव का दोष है, मैं क्या करूं, दिव्य ध्वनि तो मैं खिला नहीं सकता। आप कहो कि आवाज ठीक नहीं है, बिल्कुल सही है, भाषा वर्णन गड़बड़ है, मैं खुद कह रहा हूं गड़बड़ है, और ज्यादा सुनना हो तो आखिरी दिन कहूंगा। माने आप मेरी निंदा प्रशंसा कर ही नहीं सकते, यदि मेरा प्रशंसा का समारोह कहीं हो रहा है तो वो केवल समोसरण है, मेरा मतलब आप सबका, हम सबका, हम सबकी तारीफ कहां हो रही है, विश्व में आनंद सिद्ध भगवान हमारी तारीफ को जानते हैं, कितने आनंद सिद्ध जानते हैं मेरी तारीफ को, ऐसा वैसा नहीं हो, बिग बी से जाके पूछ लेना सुमत प्रकाश जी के बारे में, मेरे फॉलोवर हैं वो हैं, अच्छा तो आपके प्रवचन सुनते हो, हाँ इंटरनेट से सुनते नहीं वो, और ले गए थे बहुत सीढ़ी ले गए थे, पैर छुपे गए थे, अब पंडित जी बड़े हुए क्यों, अरे बिग बी से मैं बड़ा नहीं होता। ओ तीन लोग के सारे जीव अनंत सिद्ध भगवान जानते हैं आपको, अनंत भगवान आपकी प्रशंसा करते हैं दिव्य ध्वनि में, और 898,502 केवली भगवान अभी जानते हैं आपको, साक्षात जानते हैं, बाकी के दिगंबर मुनिराज 3.9 करोड़ मुनिराज, वे सारे के सारे आगम के आधार से तुझे पवित्र जानते हैं, सम्यक दृष्टि अपने श्रद्धा के बल पर विश्व के सारे जीवों को भगवान जानते हैं, क्या कह रही, अब बोलो तो मैं मूर्खों के, मैं मूर्खों से तारीफ चाहिए कि मैंने सम्यक दृष्टि से मांडी ने सम्यक दृष्टि से लगाकर सिद्ध भगवान तक तुम्हारे प्रशंसक, और फिर 150 200 300 ज्यादा होते, 1 करोड़ ज्यादा ज्यादा, बस इससे ज्यादा कोई किसी को नहीं जानता मूर्खों में, अब बोलो 1 करोड़ मूर्ख अच्छे है कि आनंद सिद्ध बढ़िया, बोलो बेटे मूर्ख तो समझते हो, इडियट नॉनसेंस नहीं समझते। कितने लोग जानते हैं, जरा जरा सब्जी वाले से पूछना अंबानी कौन है मित्तल कौन है, किसी को नहीं मालूम, खेडू से जाके पूछना, वो गाय चराने वाले से पूछने जाकर के, कोई नहीं जानते, बड़े बड़े टॉप लेवल के लोगों को टॉपी वाले थोड़े बहुत मूर्ख जानते हैं, नीचे वाले भी नहीं जानते। अब बोलो भैया ए यस कहां चाहिए यस, इसलिए मैं कह रहा हूं आप अजाना नहीं रहना भैया, अज्ञान का फॉलो नहीं करना, फेवर नहीं करना, ओहो हो, तो इसलिए क्या कह दिया, अज्ञान नाम का औदिक भाव में ये समझना अच्छी तरह से कि अजानकारी नहीं रखना, आप जानना बस, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, सच्ची बात है ज्ञान का फल त्याग है, ज्ञान का फल त्याग है, त्याग है ना ये चरणानी योग है, त्याग माने अंतर में राग उत्पन्न नहीं होता ये चरणानी योग है, अंतर में वो मोह उत्पन्न नहीं होता ये त्याग हो गया, और उस कारण से बाहर में भी त्याग होता है, इसको अपन चरणानी योग व्यवहार से कह देते हैं, बात समझ में आएगी नहीं आया, खरे खर सब लिखा है टोटम जी साहब ने सब लिखा है, तो फिर ज्ञानी त्याग क्यों करता है,
ऐसा प्रश्न पूछा। फिर ज्ञानी परद्रव्य को त्याग क्यों करता है? जब परद्रव्य राग द्वेष नहीं कराता तो ज्ञानी परद्रव्य को क्यों त्यागता है? तो उन्होंने इतना बढ़िया लिखा, ज्ञानी आत्मा का अनुभव करता है तो वहां तो उसको उस परद्रव्य संबंधी राग नहीं रहा, परद्रव्य संबंधी द्वेष नहीं रहा, इसलिए वो राग द्वेष कारण था। तो कारण के अभाव होने पर बाहर के पदार्थों का भी निमित्त निमित्तिक त्याग होता है, इसका नाम चरणानी हो गया। समझ में आया कि नहीं? क्या मिटाना है, बाहर का त्याग करना है कि अंदर का राग द्वेष मिटाना है? और राग द्वेष मिटाना है कि केवल सुख बुद्धि मिटाना है? सुख बुद्धि मिटने पर राग द्वेष मिटते ही हैं, लेकिन सुख बुद्धि एकदम मिटती है? ध्यान से सुनना, सुख बुद्धि एक साथ मिटती है और राग द्वेष क्रमे क्रमे मिटता है। फैन ऑफ करो तो एक सेकंड में ही फैन ऑफ हो जाता है और फिर रुकता स्लो स्लो है। समझ में आया कि नहीं आया? आप इधर आ जाओ बेटे, इधर दो ही जने। हाँ इधर इधर आगे आ जाओ बेटे। समझ में आया भैया? नवयुवक लोग पीछे आगे आ जाया करो तो आपको समझाने में मुझे बड़ा मजा आएगा। बहुत बढ़िया, बैठा शाबाश, आ जा। फिर से समझ में आया कि नहीं आया? पहले अज्ञान समझा दूं, इसी में मिथ्या पहले मिथ्या समझा देता हूं। देखो ये मिथ्यात नाम का औदिक भाव लिखा है इसमें, श्रद्धा गुण में मिथ्यात, तो मिथ्यात समझा रहा हूं अभी, पहले मिथ्या समझ लो आप। कौन सा शब्द समझाएंगे? मिथ्यात अक्षदिन नाम। हाँ बहुत बढ़िया। क्या समझाएंगे? नाम सुना है मिथ्यात? बहुत बढ़िया। तुमने सुना नाम? बहुत बढ़िया। अब तो सुना है तो अब समझ में आ जाएगा। मिथ्यात माने विपरीत मान्यता, विपरीत मान्यता माने परम सुख बुद्धि। तो सुख बुद्धि मिटी माने दर्शन मोह मिटा, तो एक झटके में मिटता है, एक झटके में। क्यों? शादी हुई तो आप पत्नी पना कितने दिन में आ पाता है? शादी होने के बाद पत्नी पना पति पना कितने दिन में आता है? तो एक झटके में आ जाता है, तो एक झटके में आ जाता है। लेकिन जो विज्ञान घनपन है ना, विज्ञान घनपन माने अपनत्व, मतलब उसको एक दूसरे के प्रति डेवोशन घनत्व, उसमें समय लगता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, वो चारित्र मोह है। अतः समझ में आया कि नहीं? माने दोनों की अंडरस्टैंडिंग गहरी होना, इसमें चारित्र मोह है। लेकिन ये मेरे पति हैं, ये मानना, ये मेरी पत्नी, ये मान्यता एक झटके में हो जाती है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, ये एक झटके का काम ही सम्यक दर्शन। बाद में परम सुख बुद्धि टूट जाने पर भी सुख का व्यवहार चलता रहता है, धीरे धीरे छूटता है, धीरे धीरे खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना एकदम नहीं छूटता, समय लगता है। धीरे धीरे 12वें गुणस्थान तक चला जाता है, 10वें गुणस्थान तक समझ लीजिए, और 11वें 12वें तो ऐसा विज्ञान घन हो जाता है। चौथे गुणस्थान में जैसे पानी, जैसे तरल पानी, गिलास का पानी है, जैसे तरल, बिल्कुल तरल वाटर, और बाद में फ्रिज में रख दो तो एक घंटे बाद 12वें गुणस्थान में बिल्कुल पत्थर। कौन कौन? जो पानी था ना, पानी पानी, वो 12वें गुणस्थान में घन पत्थर हो गया, पत्थर माने आइस, पत्थर बन गया, वो क्या बोले, बर्फ बन गया। अब पानी अपने ऊपर गिर पड़े ने एक बाल्टी तो कोई टेंशन नहीं। और वो ही पानी जब फॉर्म बदल जाने पर, फ्रीज हो जाने के बाद, यदि हमारे सिर पे गिर पड़े तो वे छूट जाए। ऐसे ही जो उपयोग पानी की तरह तरल था चौथे गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान के बाद ऐसा विज्ञान घन हो गया कि जिसके ऊपर गिरता वो मरता है। जिसके ऊपर गिरता है मतलब चारित्र मोह का सत्य नाश हो जाता है। सत्ता 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 समझ गए, एग्जिस्टेंस का ही नाश हो जाता है। ये विज्ञान घन का दृष्टांत है। इतना समझ में आ गया मिथ्यात में? तो एक बात तो ये बता दी मिथ्यात में, थोड़ी देर बाद और समझा दूंगा, और तो कुछ प्रश्न नहीं इसमें। तो अज्ञान समझा दिया आपको, नहीं? अब अज्ञान नाम के औदिक भाव में, एक दिन मैंने 19 बोल दिया था, 14 है, मैंने करेक्ट कर लेना, 14 भाव शायद कर भी दिया, वो सही कर दिया था, बस ठीक। अब अपन आगे चलते हैं, पहले मिथ्यात को और क्लियर करते हैं। अब फोकस्ड चर्चा होगी, फोकस्ड मतलब कॉन्सेंट्रेट। मिथ्यात क्या नाम बताया अपन ने? मिथ्यात नाम का औदिक भाव। क्या बोला हमने, बोलो जरा, क्या बोला हमने? बहुत बढ़िया, समझना जरा।
ऐसे समझाना चाहता हूं इन युवकों को, बच्चों को, जिंदगी भर के लिए अमिट हो जाए वो। मिथ्यापना, मिथ्यात्व का मतलब होता है मिथ्यापना, मिथ्यात्व का मतलब होता है मिथ्यापना। मिथ्यापना को झूठापना भी कह सकते हो, मिथ्यापना को विपरीत भी कह सकते हो, विपरीत मान्यता। सम्यक दर्शन करना है क्या आप लोगों को? नहीं करना हो तो बोलो, फिर अभी बोलूं। हाँ ठीक है, रेडी तो फिर तैयार रहना है ना। देखो ये है ना, ये कैसा कलर दिख रहा है? बस सम्यक दर्शन हो गया, इतना सरल काम है। कैसे अभी बताता हूं। किसी आदमी को पीलिया हो गया हो, पीलिया जॉइंटिस हो जाता है ना, क्या हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है हाँ, तो उस व्यक्ति को भी कैसा दिखाई देगा? पीला। तो उसे पीला दिख रहा है या ये पीला हो गया है? तो उसे पीला दिख रहा है, ये मिथ्यात्व है। अब किसी व्यक्ति ने हरा चश्मा लगाया होगा तो ये कैसा दिखाई देगा? हरा। किसी ने लाल लगाया होगा तो? अच्छा, उसके लाल देखने से कितना परसेंट लाल होता है? उसके हरे लगाने से ये कितना परसेंट हरा होता है? पक्का पक्का, बस ठीक है। ऐसे ही औदयिक भाव रूपी चश्मा से देखने पर भगवान आत्मा रागी दिखाई देता है, द्वेषी दिखाई देता है, क्योंकि कसाय नाम का औदयिक भाव, कसाय नाम का औदयिक भाव है क्रोध मान माया लोभ। और यदि कसाय को शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें कर देते नहीं, क्या करते हैं आप लोग, पावर चढ़ाते हैं पावर हटाते हैं, गणित में स्क्वायर नहीं करते, स्क्वायर करते चले जाते हैं, पावर चढ़ाते कि नहीं, पावर चढ़ाना और पावर हटाना। तो यदि अपन पावर चढ़ा दो तो चार कसाय और 16 कसाय और 25 कसाय को सॉर्ट करते करते लाएंगे तो राग और द्वेष, राग और द्वेष। अब राग द्वेष के चश्मे से गाय को देखा जाता है, औदयिक भाव के चश्मे से गाय को देखा जाता है तो वो रागी द्वेषी नजर आता है, कसाई नजर आता है। लेकिन हम फिर पूछ रहे, आत्मा कितना परसेंट रागी द्वेषी है? बोलो बोलो, बस हो गया समय, इतनी सी तो बात है, अपन वही है बस। मैंने एक दिन दृष्टांत दिया था, आपको याद है, मंच पर लड़का नाटक करने के लिए आया, स्टेज पर गोरा था बिल्कुल सुंदर, और सफेद बढ़िया कपड़े पहने थे एकदम बढ़िया, लेकिन काली लाइट जलने पर वो कैसा दिखता है? काला हो गया, हो गया, दिखता है, दिखता है, हुआ नहीं, दिखता है, ये औदयिक भाव का रंग है। ऐसे क्रोध मान माया लोभ की लाइट से आत्मा क्रोधी मानी मायाचारी लोभी दिखता है, होता नहीं है। अब दिखने से कोई टेंशन नहीं है, दिखने से कोई टेंशन नहीं है, क्यों? हमारी दृष्टिकोण बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया, भाई इसका नाम सम्यक दर्शन। फिर से सुनो, जो बच्चा गोरा था, सुंदर था, अच्छे कपड़े पहन के मंच पर आया था और लाइट जली तो काला दिखा, तो उसकी मम्मी को मिथ्यात्व हो गया। तो उसकी मम्मी को मिथ्यात्व दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे लग रहा है कि मेरा लड़का काला हो गया, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? काली लाइट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लड़का काला हो गया तो सफेद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सफेद लाइट जलानी पड़ेगी। लड़का सफेद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सफेद लाइट जलानी पड़ेगी। अच्छा, साबुन लेके दौड़ना पड़ेगा। कल्पना करो, उसकी माँ को मिथ्यात्व दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? ये घर से एक बाल्टी पानी लाई और साबुन लाई और झट मंच पे आ गई, बेटा नहा लूं। अच्छा, कितनी बार नहलाया जाएगी काली लाइट जलते समय? कितना नहलाया जाए बोलो? कि तुम चाहे जितना नहलाओ, तुम्हारा पानी व्यर्थ, तुम्हारी बुद्धि व्यर्थ, तुम्हारी शक्ति व्यर्थ। समय, साधन, शक्ति, बुद्धि, चारों व्यर्थ होने वाली है। ऐसे ही कह दूं कड़क बात, ऐसे ही सम्यक दर्शन करने के लिए जितने उपाय हम करते हैं उसमें समय, शक्ति, साधन, बुद्धि चारों नष्ट होती है, वो अनाधिकार से हो रहा है। यहां तक कि द्रवलिंगी मुनि बन गए, व्रत किया, तप किया, दीक्षा ले ली, ये ने वो ने ये सब कर डाला, यम नियम संयम आप कियो, पुनि ज्ञान विराग अथाग लियो, आहा तदपि कछु हाथ
हजूना परियो समझाती तदपि तो भी कछु हाथ ना परियो कुछ हाथ नहीं पड़ा। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख देखो सरल काम को अपन ने कठिन बना लिया। इतना बढ़िया सरल काम था क्यों? फिर से सुनो, मिथ्या मान्यता के कारण वस्तु मिथ्या नहीं हुई इसलिए सम्यक दर्शन सरल है। फिर से एक तुम्हारे देखने से काला हरा पीला नहीं हुआ, लड़का लाइट के चक्कर में हरा नीला काला पीला नहीं हुआ, ऐसी मिथ्या मान्यता के कारण आत्मा मिथ्या नहीं हुआ, बस सम्यक दर्शन इसलिए सरल है। फिर सुन लेना अच्छी तरह से, नथिंग टू चेंज, नथिंग टू थिंक, नथिंग टू डू, कुछ करना ही नहीं, केवल अनादि अनंत वस्तु एक रूप है, इतना निर्णय कर लो बस। और है इसलिए निर्णय कर लो, क्या कह रही है ऐसा नहीं, एक सुनो, निर्णय करोगे तो है ना, होना है कि हो इसलिए निर्णय कर लो। और आप सच कहता हूं, एक लाइन लिख लो भाई, जब आपको लगे अनादि अनंत एक रूप वस्तु है, इसका निर्णय करना है और इसके सिवा कुछ नहीं करना है। आज ही मानो, बाबू भाई जी की भाषा बोलो, आज ही मानो, काले मानो, अनंत काल बाद मानो, मानना यही पड़ेगा। और बाबू भाई जी फिर इसी साथ वो श्रीमद जी का छंद सुना देते थे, एक हो त्रण कांड मां परमारत्नो पंथ। बेटे तुम लड़का हो कि आत्मा? आत्मा इतना तो बच्चा कह देता, आप लोग नहीं कह पाते। बहुत गजब गजब बात है। फिर से मिथ्या समझ में आया, मिथ्या माने उल्टी मान्यता, तो मान्यता से वस्तु उल्टी थोड़ी हुई, ये माने इसका पीक पॉइंट है। रागी मानने पर भी वस्तु रागी नहीं हुई, द्वेष दिखाई देने पर भी आत्मा द्वेषी नहीं हुआ, इसलिए आत्मा अर्थात मैं जाननहार ज्ञायज ज्ञान लक्षण से पहचानने में आने वाला आइडेंटिफिकेशन होने वाला मैं भगवान ज्यों का त्यों हूं। कब से? अब एक प्रश्न करता हूं, बहुत मार्मिक है सुनना सभी लोग, तो फिर अपने को पाप का उदय नहीं आना चाहिए ना, क्यों अशुभ राग आना चाहिए कि तीव्र शुभ राग आना चाहिए? अब बोलो जरा, बोलो भैया, नहीं पंडित जी अशुभ की बात नहीं करो, अशुभ नहीं, गंदे गंदे बाहों से नहीं, शुभ आना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं भैया, जैसे मैं समझो, जैसे वो काली लाइट होती है ना, काली लाइट, वो काली लाइट में ही बहुत प्रकार होते हैं, डार्क और थोड़ा लाइट डार्क, थोड़ा लाइट ब्लैक, लाइट ब्लैक तो और थोड़ा लाइट ब्लैक। मैं पूछता हूं, काली डार्क हो और लाइट ब्लैक हो, फर्क क्या पड़ना है? नहीं, इसका नाम है सूरबीर ज्ञाता। मैंने इसके लिए एक शब्द सुना, ध्यान से सभी लोग ध्यान सुनना, आप मजबूर ज्ञाता हैं कि मजबूत ज्ञाता हैं? क्या करें भैया, आप अपन कर तो कुछ सकते नहीं, तो मजबूरी में ज्ञाता है। ऐसा बहुत लोगों को लगता है, पंडित जी हमारा बस चलता ना तो राग द्वेष मिटा देते, लेकिन मजबूर हैं, रोक तो सकते नहीं, स्वामी जी ने अकर्ता समझा दी, कर तो सकते नहीं, तो मजबूरी के ज्ञाता हो? पंडित जी चाहते तो बहुत है कि हिंदुस्तान बदल दें, लेकिन अब कुछ कर तो सकते नहीं, इसलिए शांति से बैठने में सार है। ये मजबूर ज्ञाता है, मजबूर। और मजबूत ज्ञाता तो कहता है, ओहो चाहे जो घे झलकू, चाहे जो लाइट, क्यों येलो लाइट कि काली लाइट, माने ब्लैक, कौन सी लाइट चलना चाहिए, कौन सी लाइट चलना चाहिए, कोई सी चलो। ये कौन कह सकता है जिसको ज्ञान से गेहों से ज्ञान, जिसका ज्ञान गेहों से आक्रांत नहीं मानता? कड़क है थोड़ी भी, ये सूक्ष्म बात है, देखो स्वच्छंद नहीं होना, इसमें स्वच्छंदता भी हो सकती है। अच्छा तो आज मैं बिल्कुल AK-47 ले जाकर सबको जानूंगा, समझिए AK-47 समझते हो, मशीन गन, एक रिवॉल्वर, आज सबको देखूंगा। अरे इसको देखने के लिए बात थोड़ी चल रही है, यहां तो बहुत अंदर 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 गहरी गुफा की बात है,
चैतन्य के पाताल की बात, बैंसरी क्या बोलते थे, चैतन्य के गहरे पाताल की बात है भैया, उल्टा नहीं ग्रहण करना, और करोगे भी नहीं, आप समझदार हो, भव्य जीव हो, बड़े मुश्किल से तो अपन गुरुदेव श्री की कृपा से सब योग इकट्ठे हुए, नहीं तो आज पूरे हिंदुस्तान में बिखरे बिखरे हैं। सच कहता हूँ, आप हिंदू, आप इतने भाग्यशाली, इतने लोगों को देख के इतनी खुशी होती है। अभी किसी जगह जाता हूँ ना तो 2-5-6 मोक्ष होंगे 10, और बाकी 90% वही लोग होते हैं हमारे उस साइड। तो ये बात कितने बताता तो यही हूँ, लेकिन कितना पानी मिलाना पड़ता है उसमें कितना दृष्टांत देने पड़ते हैं उनको, और कितना उनको निश्चय व्यवहार का बताना पड़ता है, तब जाकर के वो बात उनके गले उतर पाती है। तो इसलिए मुझे खुशी होती है कि आप इतने हो तो वहां भाग, समझ में आया कि नहीं आया। फिर से सुनो, राग के काल में रागी देखने के लिए सर्वज्ञ भगवान नहीं मिले, समझसार इसलिए नहीं मिला, वो तो मुसलमान भी कह देगा ये क्रोध कर रहा है तो क्रोध ही है। ये सूक्ष्म बात क्या कहती है, क्रोध दिखाई देता है वो कर्म के उदय की लाइट है। औदयिक भाव क्या है, औदयिक भाव क्या है, कर्म का उदय, और कर्म के उदय में दिखाई देने वाला आत्मा, तो जो कसाएं है ना, कसाएं क्रोध मान माया लोभ, वे सब कर्म के उदय की लाइट है, और भगवान आत्मा वैसा दिखाई देता है, लेकिन वैसा हुआ। एक मैं दृष्टांत देता हूं, बहुत अच्छा, मेहमानों से बहुत परेशान हो जाते हैं कई बार, तो एक बार पति पत्नी ने सेटल कर लिया, प्रीफिक्स मैच खेलेंगे, समझते हैं, प्रीफिक्स मैच फिक्स हो जाता है, नहीं हो जाता है, हाँ मैच फिक्सिंग। तो क्या खेलेंगे कि जब अपने घर में मेहमान आएंगे तो तुम सुबह सुबह कहना, कितने दिन से कह रहे हैं शक्कर लाओ, इतनी महंगाई है, शक्कर खत्म हो गई, अपन सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा करेंगे, समझ गया, तो प्री फिक्स मैच बिल्कुल मेहमान से तो कह नहीं सकते कोई तो अपन ही बोलेंगे, मैं ऑर्डर करूंगा भाई हलवा लाओ, दूध लाओ बढ़िया, ऐसे ऐसे मैं कहूंगा नाश्ता लाओ, तो तुम अंदर से कहना, महीना भर में कितने मेहमान आते हैं और तुम शक्कर तक लाके नहीं देते, कल ही हलवा बना था, परसों वो आए थे, नरसों वो आए थे, और सब घी खत्म हो जाता है, शक्कर खत्म हो जाती, और लाते हो नहीं हो आप, कितनी बार कहा आसे। तो मैं फिर घर के अंदर आके कहूंगा किचन में, तू खा जाती, कहां चला जाता है, कौन खा जाता है ये सब, इतना खर्चा हो रहा है, मैं कहां से लाऊं तो फिर तू रोने लगना बस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, समझ लीजिए ऐसे ही ड्रामा हुआ, वो फूट फूट के रो रही है और वो भी प्राण खा रहा है, चिल्ला चोट हो रही है दोनों साइड से हो रही, इसमें पाप का उदय किसको आता है दोनों में से बोलो ये चिल्ला रहा है तो पत्नी का पाप का उदय है, ये पति दुखी हो रहा है तो पति के पाप का उदय है दोनों कितनी एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोते गाते दिखाई दे रहे हैं, चिल्लाते दिखाई दे रहे हैं, इसके बावजूद दोनों अंदर अंदर भेद विज्ञान के बल पर सम्यक दृष्टि हैं बिल्कुल ऐसा ही है भाई साहब, चौथे गुणस्थान में रहोगे तो आपको वैसे ही ड्रामा करना पड़ेगा पहले गुणस्थान में हो तो उतना ड्रामा करना पड़ेगा, चौथे गुणस्थान वाला मरने मारने की भाषा बोलता है, अभी लेस से पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको, कृष्ण लेश का परिणाम आता है चौथे गुणस्थान में, मरने मारने की भाषा बोली जाती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना, देखो मैं उल्टा नहीं पकड़ना, आप सबको भी कृष्ण लेश का जब भाव आता है ना, आप सम्यक दृष्टि हो जाओ तो भी, देखो आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे पूछते हैं, पंडित जी जब स्वाध्याय नहीं करते तब भी वैसे ही भाव आते थे, अब इतने साल स्वाध्याय कर रहे तब भी वैसे ही भाव आ रहे, फायदा क्या हुआ। जैसे दृष्टांत, जैसे पहले हमें बहुत गुस्सा आती थी, ऐसा लगता है मर जाएं क्या करें, ये भगवान मर जाएं, पहले ऐसे सोचते थे जब स्वाध्याय नहीं सुनते थे, अब स्वाध्याय सुनने के बाद भी जब बहुत तीव्र गुस्सा आ जाती है तो ये मर जा, तू तो जा, हे भगवान मैं तो मर जाऊं इस घर से, अच्छा तो 25 साल बाद भी यही की यही बात, तो क्या फर्क पड़ा स्वाध्याय करने का, प्रश्न में आया कि नहीं आया, स्वाध्याय नहीं करते तब भी वैसे ही बड़बड़ाते थे, खाते पीते थे, चलते फिरते थे, और स्वाध्याय करके भी वही, तो कोई सुधार हुआ। हम कह रहे हैं हुआ, कि पहले हम सोचते थे कि ये गुस्सा और कसाय और बात के हम बोलते हैं, और चौथे गुणस्थान भर्ती को ये मालूम पड़ गया ये प्री फिक्स डिबेट है
उस कसाई लेस्या में, उस लेस्या में ऐसा ही बोला जाता है, ऐसे ही बोला जाता है। भरत बाहुबली ऐसे नहीं लड़ रहे थे, अहो ज्ञायक देव आ जाओ, थोड़ी बोल रहे थे न, वे कह रहे थे हे भ्राता, भ्राता भ्राता कैसी नहीं, सीधी भाषा होती है, लड़ाई कैसे होती है, जैसे आप दो सगे भाई लड़ते हैं ना जब लड़ाई होती है, तो बिल्कुल वैसी ही रफ टोन कि आ जाओ मैदान में, तो आ जाओ तो हम तुम्हें हरा देंगे, तो वैसी टोन बोली जाती। क्यों? कि सम्यक दृष्टि है, उसी भाव से मोक्ष जाना है। लेकिन जब कृष्ण लेस्य का भाव आता है तो उसकी शैली है मरने मारने का भाव। आप पढ़ लेना जिनवाणी में, मरने मारने का परिणाम है, उसका नाम कृष्ण लेस्य है। सम्यक दृष्टि होने पर भी ऐसा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक दृष्टि को यह पता लग गया, ये फायदा हो गया। कैसा फायदा हो गया समझ में आया? देखो जब वो मेहमान नहीं आए थे ना, मेहमान नहीं आए थे तब भी घी शक्कर का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता था पति से, तो भी डांटता था, तो सही में उसके पाप का उदय लगता था, उसे लगता था। और अभी भी वही के वही डायलॉग है मेहमान के सामने, बस इतना सा है कि दोनों के बीच में इशारा हो गया, इशारा हो गया भाई, इतनी सी बात, और कुछ नहीं बदला। बाप के वही के वही है, पति पत्नी जब अकेले मिलते हैं ना, जब भी बातचीत करते हैं, महंगाई कितनी बढ़ रही है, हे भगवान, घी तेल शक्कर ला ला के हम तो भैया जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी पूरी, तो अकेले में भी यही बात होती है। लेकिन जब मेहमान आते हैं तब वो पहले से ही सारा हो जाता है, ये सम्यक दर्शन है। बस चर्चा तो वही है। ऐसे ही यहां पर मिथ्यात्व हो, कसाय हो, लेस्य हो, ये सब लिखिए इसमें नाम, होने पर भी वो परिणति होती, लेकिन वो कर्म का औदयिक भाव है। कौन का भाव है? कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला जीव का भाव। और तुमको एक दृष्टांत दूं समझाने के लिए, क्यों अभी भी आपको ऐसा लगता होगा कि आत्मा तो बेचारा निर्दोष है और कर्म इसको धक्का मारता होगा। तो कर्म कुछ नहीं करता, ध्यान रखना, कर्म कुछ नहीं करता। मैं एक सरल दृष्टांत देना चाह रहा हूं, आप पकड़ना इस दृष्टांत को। देखो रात भर मत सो, आज आप रात भर मत सो, तो दूसरे दिन सुबह घर में कोई कमी नहीं है, वही खाना पीना है, वही भोजन, वही सब कुछ है, लेकिन आपको चिड़चिड़ापन रहेगा। ये चिड़चिड़ापन क्या चीज है? आज आप रफ टोन में बात कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं आप किसी का जवाब नहीं देना चाह रहे। मम्मी पूछ रही बेटे तो फिर आप काम करोगे आज? ये दो चार काम बताएं, देख लेना, आप देख लेना प्रैक्टिकल। यदि आप रात भर जागे हैं तो दूसरे दिन आपकी भाषा, आपकी सोच, आपकी बोलने का स्टाइल सब बदल जाएगा। फिर मम्मी कहती क्या बात है, मूड खराब है, गुस्सा में हो, कोई ने कुछ कह दिया? नहीं मम्मी, पापा ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या बात है? पता नहीं आज मूड थोड़ा हेडेक है, थोड़ा सा भारी सा है। अच्छा हम समझ गए, जरूर तुमने रात भर क्रिकेट मैच देखा होगा जरूर कोई रात को जगे होगे, ऐसा होता कि नहीं होता? बोला इसका मतलब ये निकला कि मम्मी समझ गई ये बच्चे की रफ टोन नहीं है, ये रफ टोन और रात भर जागने की गर्मी का परिणाम है। आप एक काम करो, एक रात जगिए और दूसरे दिन मिठाइयां खाइए, आप भोजन करिए, आपको वो टेस्ट नहीं लगेगा, आपको कोई चीज खाने का मन नहीं करेगा। इसका मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं है, वो जो रात भर जगे थे उसकी गर्मी का परिणाम है कि आपको अच्छा भोजन भी भोजन नहीं लग रहा। अब तो समझ में आ गया दृष्टांत। ऐसे ही कर्म का औदयिक भाव जो कह रहे हैं, जीव का एक औदयिक भाव है क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व, ये जीव का भाव नहीं है, जीव का भाव नहीं है, एक कर्म का उदय का निमित्त पा करके वह भाव है, वो जीव का मूल भाव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं फिर पूछ रहा हूं, तो क्रोध आत्मा क्रोधी हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा कभी क्रोधी हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा तो फिर अब क्रोध आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हैं? ये गजब बात, अब हम क्रोध से न्यारे हो गए। क्रोध कम हो कि ज्यादा हो, मैं उससे न्यारा हूं। देखो यहां कर्तव्य की बात नहीं चल रही, क्या कह रहे? कर्तव्य की बात नहीं चल रही,
होने योग्य कर्म के उदय में क्रोध मान माया लोभ होते हैं, होते हैं, आप कर सकते हैं। अब वो दृष्टांत देने की जरूरत नहीं जो पहले दे चुके, कि आप राग नहीं कर सकते, इच्छा नहीं कर सकते, विकल्प नहीं कर सकते, वो समझा दिया अपन ने पहले। आगे चलें, अब चलिए कौन सा अधिक भाव चल रहा है, मिथ्यात्, लेकिन हमने आपको इसके साथ साथ मिथ्यात् पढ़ा दिया, कसाई पढ़ा दी, और थोड़ा लेस्या भी बता दी। लेस्या एक बार अलग से बताएंगे, सेपरेट एक घंटा लेस्या, और एक क्यों मुझे एक्चुअली आपको जानकारी नहीं देना है, मुझे मालूम है कसाई आप जानते हो, लेस्या आप जानते हो, और वो मिथ्यात् भी आप जानते हो, मुझे समझ रहे सब लोग, मुझे आपको जानकारी नहीं देना, इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, मुझे केवल भेद विज्ञान कराना है कि कसाय आने पर भी आप भयाक्रांत मत होइए और दुखी मत होइए, क्योंकि कसाय चाहे जितनी दिखाई दे लेकिन वो आत्मा रूप नहीं है और आत्मा उस रूप नहीं है, ऐसा जान करके प्रसन्न रहो। देखो एक दृष्टांत, दृष्टांत दे रहे हो, बिना दृष्टांत काम ही जाए। देखो मम्मी पापा की लेस्या को समझती है, कसाय को लेस्या को समझती है। लेस्या और कसाय में फर्क क्या है, कि कसाय तो सदाकाल ही होती है, कसाय तो सदाकाल होती है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति का जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर, वो लेस्या होती है। क्या कहा मैंने, कसाय तो सदा रहती है लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति होती है ना, अभिव्यक्ति, वो प्रेशर, उस प्रेशर का नाम है लेस्या। तो पिताजी का मूड गर्म था और बेटा भी खड़ा हुआ था, भाई मम्मी भी थी ओपन, तो पापा जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मैं मर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, आज के बाद घर में नहीं आऊंगा, तुम लोगों ने नरक बना दिया है, इससे तो मैं भाग जाऊंगा, ऐसे चिल्लाया और चले गए, दुकान चले गए, कहीं चले गए, जहां उन्हें जाना था जॉब पे चले गए। मम्मी मुस्कुराते हुए काम करती रही, अब बच्चा तो बेचारा पहली बार जिंदगी में देख रहा था इतना सुंदर नाटक तो वो बेचारा सीरियस हो गया, तो उसने मम्मी की शक्ल देखी, मम्मी पापा को समझाओ ना, मरे नहीं जाए नहीं भागे नहीं, फिर अपना क्या होगा, आपका क्या होगा। अब वो बेचारा घबरा रहा हो, तो उसने कहा मम्मी कुछ करती क्यों नहीं हो, तुमको पापा अच्छे नहीं लगते क्या, या अच्छे लगते तो हैं, तो आपने तो कुछ मनाया ही नहीं, वो चिल्लाते हुए चले गए, और आज के बाद मर जाऊं तो भी घर में नहीं आऊंगा, ऐसे बोल के गए, और आप कुछ कह ही नहीं रहे। बोले तू चुप रह, क्यों क्या हो गया, वो झूठ बोल रहे थे क्या, कह दिया ना चुप रह, वो लेस्या थी, वो लेस्या थी, वो उनके बोलने का प्रेजेंटमेंट है ओनली, अंदर में जब बहुत बड़बड़ाता है ना आदमी, बहुत हैरान हो जाता है, तब ऐसे ही बोला जाता है बेटे, लेकिन अभी भूख लगेगी जाएंगे कहां, करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच के थोड़ी भाग जाएंगे, करोड़ों की प्रॉपर्टी यहां रखी, पापा कितने ही चिल्ला लें लेकिन खूटे पे ही आएगा इसे तो चिल्ला नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं कर, तू भी जाके खेल, मतलब क्या गजब है देखो। अब समझ में, लेसिया और कसाय का डिफरेंस जिन्हें समझ में आते ना, उनके टेंशन में नहीं रहते। ऐसे ये आत्मा अपने स्वभाव के खूटे से निकल के जाएगा क्या, क्या कह रहे, आत्मा स्वभाव के खूटे से निकलकर जाएगा कहां, ज्ञानात अन्यत करोति किम, वो ज्ञान के सिवा कर क्या सकता है। इसलिए ज्ञानी कसायों को और लेस्याओं को जान करके भी उसे आत्मा का स्वभाव नहीं मानते, ज्ञानी का स्वभाव नहीं मानते, ध्यान से सुनना, इसीलिए ज्ञानियों की लेस्याओं में भी ज्ञानियों से ज्ञानियों के कैरेक्टर पर शंका नहीं होती। ज्ञानी हो क्यों, भरत बाहुबली जब इतना ज्ञानी हता तो लड़ाई काहे करी, लड़ाई क्यों करी, तुम नहीं समझते, चुप रहो, तुम नहीं समझते, हम समझते हैं, लड़ाई वो सब स्वांग है, स्वांग। आगे समझ में आया कि नहीं आया, देखो अभी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें आपको, आप मेहनत करोगे तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, बहुत सरल काम। हो क्या रहा है, आत्मा त्रिकाल एक स्वभाव है वो तो अपन समझते नहीं, और 24 घंटे बदलते हुए रंग दिखाई देते हैं, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, और लेस्याओं के नाम लो तो कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। अब तुमने क्या मान लिया,
कसायों को आता पता तो तुम्हें समझ में ज्यादा आता नहीं है, तुम्हें केवल वो तीन तीन कलर दिखते हैं, कृष्ण नील कापोत या पीत पद्म शुक्ल, ये अशुभ भाव है और ये शुभ भाव है, तो इनको तुम धर्म मान लेते हो और इसको कर्म मान लेते हो और दोनों के कर्ता बन जाते हो, जबकि ये छह ही क्या चीजें हैं, छह ही क्या है, विभाव के प्रकट होने का फोर्स, क्या कहा, विभाव के प्रकट होने का फोर्स। ये शुभ भाव क्या है, विभाव, ये शुभ भाव क्या है, ये विभाव, ये दोनों के फोर्स प्रकट होते हैं, लेकिन हम तो मात्र ज्ञाता रहते हैं, ये समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन सरल काम। आया कि नहीं आया समझ में, आया भैया, ओहो, तो इस तरह से औदिक भाव पूरा हो रहा है लगभग लगभग, लेकिन अभी भी है मटेरियल बाकी है अभी, इसमें बहुत मटेरियल है अभी तो, इसमें मिथ्या समझ में आ गया। एक प्रश्न पूछते हैं, पंडित जी मिथ्यास के उदय में तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता ना, मिथ्यात का उदय होगा तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता ना, बहुत सोचो जरा शांति से, तो मुझे आप ही बता दो कि मिथ्यात का उदय किस दिन नहीं होगा, बोलो मिथ्यात का उदय कब नहीं होगा, ये जो लाइटें जल रही हैं, लाइटें नहीं बुझाई जा सकती, बोलो। एक काम करो, मैं आपको एक सरल दृष्टांत दे देता हूं, मार्केट से एक ऐसा टेलीविजन दिलवाओ जिसमें आग ना दिखे, बाढ़ ना दिखे, बस ऐसा टीवी दिलवा दो, भले 10 करोड़ का आए, 100 करोड़ का आ जाए कोई टेंशन नहीं है, 100 करोड़ का टीवी दिलवा दो, लेकिन एक शर्त है कि जब जब वहां से जो पिक्चर रिले होगी ना, पिक्चर रिले, उसके अग्नि वाले दृश्य नहीं आए इसमें, बस, और बाढ़ पानी वानी ये दृश्य नहीं, और बाकी बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब आए। दिलवा सकता है कोई, दिलवा सकते हो, बोलो क्यों नहीं दिलवा सकते। पंडित जी आप तो ये बताओ, आपको टीवी देखना है कि नहीं, कि देखना है, तो आप ये बताओ कि अब तकलीफ क्या है बाढ़ देखने से, कि वाह मेरे टीवी में बाढ़ आ जाए, पानी भर जाए, तो निकालेगा कौन। अच्छा अब समझ में आया तुम्हारा स्क्रू ढीला कहां है। तो अब आप टेलीविजन सुधारोगे, टेलीविजन खोल के सफाई करने की सलाह दोगे क्यों, और आग का दृश्य होगा तो बुझाएगा कौन, तो आप बुझाने की सलाह दोगे, बिल्कुल नहीं। टेलीविजन अनटच, टेलीविजन नॉन चेंजेबल, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, ऐसे ही भगवान आत्मा में तो कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें समस्या कहां से आती है कि भगवान आत्मा ज्ञायक और क्रोध मान माया लोभ और जो लेसियां हैं वे गे, माने अग्नि के दृश्य, गे जैसे लेसिया है ना अग्नि के दृश्य, लेसिया माने पूजा पाठ के भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव, तो दोनों लेसियां हैं अग्नि और बाढ़ की तरह दिखाई देती हैं, तो तुम्हें टेंशन का आएगी कि ये दिखती क्यों है, क्यों अनवांटेड थॉट दिखाई देने चाहिए, अनवांटेड विचार दिखने चाहिए, हम चाहते हैं ना दिखें। भाई इतनी सी कहानी है आपकी, अशुभ भाव ना दिखे, क्रोध मान माया लोभ ना दिखे, राग आदि नहीं दिखे, बस इतनी सी टेंशन है आपकी, बोलो है कि नहीं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, तो मैं आपका समझ सुधारें कि आत्मा सुधारें, अब बोलो आत्मा को सुधारें कि समझ सुधारें, तो फिर आप हमें बताओगे। पंडित जी एक काम करो, आप एक टीवी ले लो और बेबी 10 करोड़ 100 करोड़ खर्च मत करो, 2000 में आ रहा है बहुत सस्ता आजकल, ये रखो आप। और सुनो आपको तो कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलो, बाढ़ आती है ना तो देखो जी बाढ़ का दृश्य आ रहा है, और पीछे से खोल के दिखा दिया, देखो देखो पानी आ रहा है क्या कहीं। अच्छा ये बताओ, आपके यहां जब टेलीविजन रखा था तो जब आग का दृश्य आया था तो बदबू आई थी क्या जलने की, कि नहीं जलने का लक्षण तो नहीं आया, तो फिर आपने हाथ ताप के देखे थे, मैंने आपको कुछ गर्मी लगती थी वहां, गर्मी भी नहीं लगती थी, तो फिर इसका मतलब ये पक्का है कि टेलीविजन में ना आग होती है और ना पानी होती है, मात्र झलका है। मात्र झलकता है, ऐसे ही भगवान आत्मा में आह, एक ज्ञान विज्ञान घन पिंड है भगवान, ज्ञान घन, ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, और अनादिकाल से अनंत काल तक इसमें मात्र राग द्वेष मोह ये झलकते हैं, इसके सिवा और कुछ प्रोसेस नहीं होती।
अब मैं आपसे पूछूं, क्यों बेटे आपकी टीवी में कितनी घंटे आग जलेगी कि आपको डर लग जाएगा? कितने घंटे तक टीवी में भूत दिखाए जाएं कि आप डर जाओगे? कितने घंटे तक टीवी में हत्या के दृश्य आए कि आप डरोगे कि हमारा टीवी मिट गया? टीवी मिटने का भय कब होगा? कभी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टीवी में दिखता है, कुछ है नहीं। बोलो, ऐसे स्वभाव ज्ञान स्वभाव टीवी में विभाव है नहीं। टेलीविजन में आग नहीं है, पानी नहीं है, ऐसे ही ज्ञान स्वभाव में विभाव है नहीं, दिखता है। बस हो गया, समझ गए? इतनी सी तो बात ही आया, समझ आया? मिथ्यात्म नाम का औदिक भाव माने उल्टी मान्यता, वस्तु उल्टी होती। अब आगे चले थोड़ा सा। तो पंडित जी, ये तो हम सब समझ गए, ये तो कई बार समझ गए आपसे, लेकिन वो मिथ्या छूटे तो सही। ये तो हम समझ गए, हम शुद्ध हैं, त्रिकाल शुद्ध हैं, हमें घी नहीं है, हमें राग नहीं है, हमें द्वेष नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन तो हुए। तो जी, ऐसा मूर्ख आदमी है जो ऐसा प्रश्न कर रहा है, वो ऐसा मूर्ख है जो ऐसा प्रश्न कर रहा है, वो बोलो ना, ऐसा मूर्ख आदमी है कि पंडित जी मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया कि मेरी पत्नी एकदम सुंदर है, लेकिन मेरी मिथ्या मान्यता है कि वो काली है। अब मैं क्या करूं जी, मिथ्या मान्यता कब छूटेगी? ये तो पक्की चौकस बात है, कलर साफ है, सुंदर है, सब बढ़िया बात है, परंतु मुझे मिथ्यात कब छूटेगा? मैं उसे काली मानता हूं, ये मान्यता कब छूटेगी? मिलेगा कोई मूर्ख ऐसा? मिलेगा ऐसा कोई पूछने वाला? लेकिन यहां जरूर हम पूछते हैं, बिल्कुल क्यों, आत्म त्रिकाल शुद्ध है? हाँ। किंचित मात्र मले ने? नहीं। अच्छा, निश्चय से शुद्ध है कि व्यवहार से, स्वभाव से शुद्ध है? अब सारी बात है। अब मिथ्यात के लिए क्या बचा? नहीं, लेकिन पंडित जी, ये तो हमने सब मान लिया, ये तो सब जान गए, लेकिन वो मिथ्यात कब छूटेगा? कौन सा? एक आदमी मिला, ये जी कौन है तुम्हें? भाई है तो जी पत्नी, लेकिन मिथ्यात्व है, मुझे बहन लगती है। बस वैसे है तो कन्फर्म पत्नी, लेकिन अब देखो कब मिथ्या छूटेगा, देखो अब छूटेगा तो। अच्छा, मिथ्या छोड़ने के लिए कौन सा ध्यान करना पड़ेगा? क्या, कौन सा ध्यान करना पड़ेगा? अरे तुम समझते नहीं हो भैया, गुजरात में तो अपनी पत्नी को भी बहन कहते हैं, लेकिन होती नहीं। वो तो कहने की टोन होती है, होती थोड़ी है, तुम गधई हो बिल्कुल। कहने की टोन को पत्नी ने बहन नहीं मान लेना, इतनी वेद विज्ञान की कला लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी? ऐसे ही यहां आत्मा में समझो भैया, व्यवहार से बहुत सारे कथन हैं, लेकिन सच्ची बात, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात चल रही है। आत्मा कभी राग रूप हुआ नहीं है, ध्रुव भगवान कभी राग रूप हुआ नहीं। आगे समझ में आया? तो मिथ्यात कब जाएगा पंडित जी? हम क्या करें, आप ही जैसे पंडित आते हैं, वे कह रहे थे 70 कोड़ा कोड़ी अंता कोड़ा कोड़ी। वे कह रहे थे, ये तो वे तो कह रहे थे, लेकिन उसकी एक विवक्षा है, उसकी एक विवक्षा है, लेकिन स्वभाव में कहां कह रहे थे? वो स्वभाव में कहां कह रहे थे? मैं फिर कह रहा हूं, तुमने काला चश्मा लगा रखा है, तो तुम्हारा चश्मा हटाना है कि इसे हटाना है? ये तो शुद्ध ही है। ऐसे भगवान आत्मा, ओहो, प्रसन्नता का समाचार है, फिर से सुन लो, प्रसन्नता का समाचार। अनादिकाल से उल्टी मान्यता होने पर भी मैं उल्टा नहीं हुआ, अनादिकाल से अपने को रागी मानने पर भी मैं रागी नहीं हुआ, पापी और अशुद्ध मानने पर भी मैं किंचित मात्र भी पापी और अशुद्ध नहीं हुआ। बोलो, अच्छा, मुझे लोग लड़का कहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी लड़का नहीं हुआ। और बोलो, लगाओ सब अपना अपना, सब मुझे स्त्री पुरुष कहते हैं, लेकिन मैं स्त्री पुरुष रूप कभी हुआ नहीं। आ हा हा, भगवान हूं भगवान का मैं जानन हारा,
यही श्रद्धे हमारा। श्रद्धे माने श्रद्धा के योग्य, यही श्रद्धान हमारा। भगवान हूँ भगवान का मैं जानन हारा, यही श्रद्धे हमारा, यही श्रद्धान हमारा। असल में हमारे सारे सारे प्रवचन एक छोटी सी मिस्टेक में पूरे बेकार चले जा रहे हैं। कल बताई थी मैंने वो बात, आपको कहीं ना कहीं अंदर में कर्तत्व का विश्वास बैठा है, कर्तत्व का अहंकार बिना करे हो जाएगा, उपशम नहीं करना पड़ेगा, मिथ्यात्व का उपशम नहीं करना पड़ेगा, क्यों अनंतानुबंधी का उपशम शोपशम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा। अरे भले आदमी, वो तो हमने व्यवहार समझाने के लिए कहा था, तेरे सिर चढ़ गया वो, समझ आया कि नहीं आया। एक अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी कर रहा हूं। देखो शादी विवाह की जो रीतियां होती है ना, ट्रेडिशन अलग अलग होते हैं सब जगह, छुटपुट मैन तो अंतर नहीं होता ज्यादा, लेकिन छोटी छोटी बातों का अंतर होता है। समझ लो एक लड़का किसी अपने दोस्त की शादी में गया, और वहां ट्रेडिशन में क्या दिखाया था कि वो जो हाथ में वो बांधते ना संकल्प, उसमें 7 गठाने बांधी थी वहां, समझ गए, 7 गांठ, 7 नरक वाली और फिर उसे खोली जाती है, मैंने खोलना पड़ती है वो। लेकिन यहां पर जब उसकी शादी हुई तो 3 ही गांठ बंधी, समझ गए, 3। तो अब वो सोचने लगा मेरी शादी हुई कि नहीं हुई, अब सब फंक्शन कंप्लीट होगा, लेकिन उसके मन में वो ही दिमाग में घूमता रहा कि अभी मैं पति नहीं बना हूं, क्योंकि पति तो तब बना जाता है जब 7 गांठें बंधे, मेरी तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए कि 3 ही बंधी, और वो 3 खुल गई, मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, लेकिन मुझे सम्यक दर्शन अभी तक नहीं हुआ, मैंने अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। क्या उपाय है बताओ, क्या उपाय है, फिर से करें शादी, फिर से कराएं इसकी 7 गठाने। अरे भैया ये 7 और 3 ये सब औपचारिक है, सच कहते हैं एक त्रिकाली ज्ञाय स्वभाव के सामने सब औपचारिक है। नहीं, वो औपचारिक इतना कठिन, इतना सिर्फ चढ़ के बैठ गया कि भगवान आत्मा ज्ञाय निर्मल होने पर भी जब देखो जब यही याद आता है 70 कोड़ा कोड़ी और दर्शन मुहि का उपशम तो होना चाहिए, तुम्हें दिखेगा उपशम, दिखेगा कभी, देखा कभी किसी ने, देखा किसी ने, लेकिन वो हावी हो गया। थोड़े में बहुत समझना भैया, व्यवहार नहीं को व्यवहार ही समझना, बस इतनी सी बात कहते हैं, और परमार्थ के अनुभव में बाधा डालने की जरूरत। ओम नमः शिवाय।